और बड़ी खबर इस वक्त की, राजस्थान सीजे चीफ जस्टिस प्रदीप नंद्राजोग का तबादला कर दिया गया है। बॉम्बे हाईकोर्ट के सीजे अब बन गए हैं प्रदीप नंद्राजोग। बड़ी खबर इस वक्त की, राजस्थान चीफ जस्टिस प्रदीप नंद्राजोग का तबादला, अब प्रदीप नंद्राजोग बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बन गए हैं। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर। सचिन कुमार मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सचिन, सीजे प्रदीप नंद्राजोग का तबादला। बिल्कुल, देखिए सुमित, सिफारिश कर दी है सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने फिलहाल, लेकिन हालांकि अभी राष्ट्रपति की मोहर लगना बाकी है, लेकिन ये मान के ही चला जाएगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम एजेटिव जो है वो जो केंद्र सरकार है वो उसको मंजूर कर लेती है, राष्ट्रपति उसको मंजूरी दे देते हैं। तो कहीं ना कहीं अब राजस्थान के लिए ये अच्छी खबर नहीं हो सकती है। उसकी वजह ये है कि राजस्थान में पहले से ही 24 जज कार्यरत है और 50 की यहाँ पर जो है स्वीकृति है, यानी अब सीजे के जाने के बाद 23 जज ही यहाँ पर रह जाएंगे और इसके अलावा इस साल 4 जज और राजस्थान हाईकोर्ट से रिटायर हो रहे हैं। तो ऐसे में राजस्थान हाईकोर्ट में जजों की संख्या काफी कम हो जाएगी और एक सीजे के नहीं होने से सबसे बड़ी समस्या प्रशासनिक जो ढांचा होता है, कहीं ना कहीं जो एडमिनिस्ट्रेशन वर्क होता है वो काफी ज्यादा प्रभावित होता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने अगर इस तरह की कोई सिफारिश की है तो यहाँ के लिए भी सीजे पे चर्चा चल रही होगी। जल्द ही यहाँ कौन सीजे होगा, कोई बाहर से सीजे यहाँ पे लाया जाता है या फिर एक्टिंग सीजे बनाया जाता है, उस पर अभी विचार चल रहा होगा और उसके आदेश भी एक या दो दिन में आ जाएंगे। बॉम्बे हाईकोर्ट की जो वर्तमान सीजे है वो 6 अप्रैल को रिटायर हो रहे हैं, एक पद खाली हो रहा है और बॉम्बे हाईकोर्ट बहुत बड़ा हाईकोर्ट और यही वजह है कि सीजे प्रदीप नंद्राजोग को प्राथमिकता दी गई है। काफी पहले ही उनको जो है सुप्रीम कोर्ट जाने की बात चली आ रही थी, लेकिन अब फिलहाल उन्हें दूसरे हाईकोर्ट का सीजे बनाया गया है। तो बॉम्बे हाईकोर्ट के लिए एक अच्छी खबर हो सकती है कि उसका पद जो है वो खाली नहीं रहेगा, लेकिन राजस्थान हाईकोर्ट के लिए जैसे पहले बता चुका हूँ कि 50 में से अभी वर्तमान में केवल 24 जज काम कर रहे हैं और सीजे के जाने के बाद 23 जज मात्र रह जाएंगे। तो ऐसे कहीं ना कहीं राजस्थान हाईकोर्ट हम कह सकते हैं कि इस वक्त के सबसे बुरे दौर से। चलिए शुक्रिया सचिन तमाम जानकारी के लिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर, राजस्थान चीफ जस्टिस प्रदीप नंद्राजोग का तबादला कर दिया गया है, अब प्रदीप नंद्राजोग बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बनेंगे। 6 अप्रैल को बॉम्बे हाईकोर्ट के सीजे रिटायर हो रहे हैं और इसलिए तबादला किया गया है।